कुछ नहीं होने वाला अनबॉक्सिंग ऑफ व्हाइट बोर्ड। ये अच्छा इधर से ग्रीन है तो ग्रीन पे क्या चले, ग्रीन पे तो चौक चलेगी। उद्घाटन होते हुए ये चल भाई, और इस पे आएगा पैसा बहुत सारा। इस व्हाइट बोर्ड से पैसा आएगा कैसे लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक। अब लोगों को सीक्रेट नहीं पता इसके पीछे का। अब सीक्रेट जानना तो भाई फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। क्या चीज पैसा उसके अंदर है, बस ये खोलना है यहां पर। चलो हेलो गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक गाइस टू आवर यूट्यूब चैनल ओगी वर्डसम ब्लॉग्स। तो भाई क्या हाल चाल है। तो आज अपनी दिन की शुरुआत तो हो रही है अभी अपनी गाड़ी से। अभी हम लोग फिलहाल जा रहे हैं अपनी KTM की बैटरी चेंज करवाने, फिलहाल उसको चार्ज करवाएंगे। अगर चार्ज से नहीं हुई मतलब दोबारा अगर उसने सेल्फ नहीं लिया तो फिर हम बैटरी चेंज कराएंगे, क्योंकि मैंने अप्रोक्स 1.5-2 महीने से तो छुई नहीं है भाई KTM, तो इस चक्कर में डाउन हो गई, फिलहाल तो स्टार्ट नहीं हुई। तो भैया ने बोला कि इसकी बैटरी डाउन है, एक बार चार्जिंग पे लगवा दे, हो सकता है कि चार्जिंग के बाद काम कर जाए, काम करेगी तो ठीक है, अदरवाइज तो भाई पैसा का ठोकेगा ही, क्या करें, नई बैटरी लेने पड़ेगी। और कल अपने चिराग भाई ठोक गए भाई, स्कूटी से स्टंट मार रहे थे, हवाबाजी कर रहे थे रात, हमने इनसे मना किया लेकिन नहीं भाई, है ना भाई कीड़ा दौड़ रहा था, मदीना पी रखा था इन्होंने भाई, टपक गए स्कूटी से बेचारे, तो काफ़ी लग गई है लेफ्ट हैंड और लेफ्ट वाले पैर में इसके, काफ़ी लग गई है रात में, तो इसके भी डॉक्टर के पास रात में लेके गए, पट्टी वट्टी करवाई भाई। उसके बाद इन्होंने दवाई मालूम किससे खाई है, बियर से इनकी दवाई चल रही है, कह रहे हैं इससे आधा दर्द का रोग है ना वो दूर हो जाएगा। तो मैंने भाई चल ठीक है तू अपना रोग दूर कर। तो फिलहाल तो हम लोग आ गए, देखो बारिश होने लगी भाई, ये बूंदें दिख रही हैं आपको शीशे पे, मतलब यार क्या ही बताऊँ, कभी धूप आती है तो कभी बादल आते हैं तो कभी बारिश, समझ से बाहर है सब कुछ। चिराग वैसे इसकी बैटरी कितनी कह रही, लगभग नहीं 4500 बैटरी, 4500 के बीच में। अब तो दुआ करो कि जी कामयाब हो जाए चार्जिंग के बाद, फालतू में नया नया खर्चा भैया नहीं झेल पाएंगे यार। 5000 की तो बाकी बैटरी आती है स्विफ्ट की, नहीं यार तो बैटरी तो स्विफ्ट की आती है, तो स्विफ्ट थोड़ी है ये, एम्पियर का भी तो भाई फर्क होता है। हाँ ये भी है भाई यार, चलो देखते हैं, वो भी तो फिर चीज देख के बात करें, वो क्या कौन सी की है, 390 की ला भैया ने कहा, 390 जैसे पैसे लेगा ना वो भी ले लेगा, 3900 रुपया। बारिश हो रही है, नहीं गाड़ी में गर्मी है, बाहर ठंड है भैया की, तो चाल भी लड़खड़ा गई है। हाँ भाई लंगड़ा के नहीं दिखाना, थोड़ी एक्टिंग करके और दिखा दो, एक्सीडेंट के बाद थोड़ी सिंपैथी मिलनी चाहिए ना पब्लिक से, और इतनी भारी भी नहीं, उसको उल्टी मत पकड़ो, हेलो पानी उसका पागल खराब करेगा बैटरी। अच्छा सूखी वाली, तो चल कोई दिक्कत ही ना, चलो ये पहली वाली शॉप पे ही है, यहीं पे चल, पहले भी यहीं पे चार्ज कराते थे और पुरानी बैटरीज। तो फाइनली गाइस बैटरी डल चुकी है और टाइमिंग मिली हमको 5:30-6 बजे आना है, भैया ने बोला 1.5-2 घंटे लगेंगे इसको चार्ज होने में। हाँ तुम लोग तो खैर कर ही आओगे, उससे पहले कहाँ आओगे, थोड़ा लंगड़ा के दिखा दो भाई एक बार प्लीज। चिराग भाई हमारे यहाँ पे शॉपिंग मार रहे हैं डायरी की, कौन सी वाली बढ़िया लग रही है, मुझे तो ये सबसे सेक्सी। हाँ अब पढ़ाई चालू करने वाला है तू, शेयर मार्केटिंग छोड़ के हैं, काश ये तुमने पहले ही कर लिया होता ना तो आज तुम्हें इस घाट नहीं आना पड़ता भाई, समझ रहे हो ना, ये पढ़ाई लिखाई पे तुमको बहुत पहले ध्यान देना था, कुछ नहीं रखा भाई इन सब चीज़ों में जो तुम कर रहे हो, घूमना फिरना ट्रिप्स अयाशियाँ कि शेयर मार्केटिंग हुई कि कुछ भी भाई, ये नॉर्मल एक्टिविटीज छोड़ दे, सुनो अरे मेरी छोड़, भैया तो आ जाएंगे, भैया तो गए डायरी ले, अरे चलो अच्छा कोई है नहीं, चलो फिर कोई नहीं है, मैं तो कह रहा हूँ चिरका हल्की से डाल ले एक जैकेट में, हैं बहरानी रही है डाल ले, कुछ नहीं होगा पागल है, मैं ब्लॉग की क्लिप डिलीट कर दूंगा। कितने बड़े में से 170 बड़े लंगड़ाने लगे, मैंने कही थी ये बिहाइंड दी सीन सी लंगड़ा पाते। अब हमारे चिराग भाई जहाँ पे महीनों के हिसाब से अपने घर पे वापसी ले रहे हैं, और एक मिठाई का डब्बा हमारे घर से उठाने के बाद, ओ अंदर पार्लर का काम चल रहा है, इधर वाला गेट खुलवाओ, ये कहाँ से लेकर आ रहा है वो, हेलो ब्रो, हाँ जी ये मिठाई डब्बा कहाँ से चटका दिया, ना हमारे घर से ही गाड़ी के ले आए हैं, गलत हो तुम, चोर नहीं हो। अरे
एलेक्सा चलो आ जाओ बाबू। यहाँ पर भी एक संजो की तरह एलेक्सा रहती है चिराग भाई की। आओ लो हमारी 220 यहाँ खड़ी है। हो तो काफी गलत चिराग भाई, काफी अंधेरा यहाँ तो। पूरे शहर में घूम चुके हैं, अभी तक हमको व्हाइट बोर्ड नहीं मिल के दे रहा भाई। हमको चाहिए व्हाइट बोर्ड विद स्टैंड। व्हाइट बोर्ड तो मिल रहा है बट विदाउट स्टैंड मिल रहा। हमको चाहिए विद स्टैंड वाला, क्योंकि हमें जो काम है अपना शेयर मार्केटिंग पूरा डेटा वगैरह थोड़ा, तो विद स्टैंड ही होगा। क्योंकि ऐसे रख के थोड़ी उसे कॉपी की तरह यूज करेंगे यार। स्टैंड होगा तो सामने समझ में आएगा ना अपना पूरा चार्ट, स्ट्रेटेजी अपनी क्या है क्या, मतलब समझ रहे ना, पूरा माइंड मेकअप पूरा समझाना पड़ता समझना पड़ता। तो भाई डायरी और कॉपी और लैपटॉप पे इतना नहीं हो सकता, तो हमको पूरा इक्विपमेंट चाहिए था पूरा सेटअप। तो उस चक्कर हम सोच रहे हैं कि मिल जाए 500-600 तो हमने अब तक बदल चुकी है। अब जा रहे हैं हम गांधी मार्केट की तरफ, शायद वहाँ मिल जाए। उधर भी 2-4 शॉप्स हैं उधर बुक्स वगैरह की, तो मे भी हो सकता मिल जाए। और वरना तो फिर या तो ऑनलाइन प्रेफर करेंगे, वरना फिर लगेगा आगरा का चक्कर। लो भैया इको फ्रेंडली है यार, बत्ती मत दिया करो यार तुम। बेफिजूल में गाड़ी बन गई तो कलम टूट ही गए। हाँ राइडर तो बनी रहे थे जी अभी भी, और देखो बाइक वाले बहुत राइडर बन के आ रहे हैं नागिन सीन टेकान निकाल के भाई। अब टूटेंगे तो ही मारे जाएंगे। यहाँ इधर से लेते यहाँ पे मुझे उम्मीद है मिल जाएगा, वरना आकाश गिफ्ट कलेक्शन पे 99.99% शोरूम मिल जाएगा। क्योंकि एटा की ऐसी कोई चीज नहीं है उस पर ना मिले। अब जे कारिस्तानी कर रहे हो मिलती है यार जेलो। मालूम क्या है, कुछ लोग ऐसे होते हैं मतलब पहली बार बैठते हैं नई नई लग्जरी गाड़ी में, संदू बंदू में, तो ऐसे खुटपाट करते रहते हैं। देखो हाथ निकाल लिया यार, कोई सेंस है यार? मैं क्या ही बताऊँ, परेशान हो गया उससे तो। कल राइडर बनने फूटे गए, फिर मदीना का सेवन कर रहे हैं, उससे दवाई ले रहे हैं, और अब देखो सनरूफ में घुटपुट घुटपुट, कोई सेंस है यार? तेरी का ट्रैफिक, प्लीज फास्टन ड्राइवर सीट बेल्ट। बहुत कर रहा ट्रैफिक है, हैं बहुत ज्यादा ही ट्रैफिक। हां अब गाड़ी फंस जाएगी, इतनी गाड़ियां लगी हैं कुछ भी हम लोग देख ही नहीं पा रहे। हां इतनी है, देखो कितना तगड़ा है ट्रैफिक, समझ रहे हो? अब यहाँ पे हम कैसे निकालेंगे, 2-3 घंटे में ऐसे ही बर्बाद हो जाएंगे। साइकिल निकलने तक की जगह नहीं है, समझ रहे हो? क्यों चिराग, चिराग अलादीन का चिराग, काश तू वाला चिराग होता ना तो तुझे घिस के मैंने एक व्हाइट बोर्ड पे स्टैंड भी ले लेना था तेरी कसम। स्टॉक्स तो खरीद नहीं, स्टॉक्स तो खरीदता, लेकिन जब ये समस्या आती ना व्हाइट बोर्ड वाली, नहीं यार तू मैटर ये है कि तू फर्जी चिराग है, तू अलादीन वाला चिराग नहीं है ना। तू वाला चिराग होता तो सारी इच्छाएं पूरी हो गई होती अब तक की, समझ रहा? इच्छाएं शारीरिक इच्छाएं, शारीरिक इच्छाएं। बट बोर्ड का साइज चाहिए बड़ा, ये तो बहुत छोटा है। बड़ा नहीं है ये, कितने भाई कितने का? देखो जितना बड़ा साइज है मेरे पास, इससे बड़ा नहीं। बड़ा नहीं है, नोटिस बोर्ड चाहिए ना। हां हां करेक्ट, नहीं इनमें से तो साइज सभी छोटे हैं भैया। हां और बड़े देंगे? हां हां अब ये मत कहना प्लीज और ऊपर कोई, मैं पहले सुनो भाई यार सुनो, बड़े बोर्ड तो फिर ब्लैक बोर्ड होंगे। नहीं यार व्हाइट आते हैं, व्हाइट बोर्ड, व्हाइट और ग्रीन कैसा भी हो वो कोई मतलब उस पे तो वही चलेगा ना मार्कर। हाँ, हाँ, हाँ तो बस तो अरे यार चलो भाई, 5-6 मंजिल तो पहली में चढ़ चुका हूँ, सांस फूल रही अब तो। अब यहाँ पे दे देना, आप मत कहना और ऊपर भाई। अरे नहीं अरे भाई अभी और है, किसी को कुछ चाहिए तो भाई आ करके ले जाओ, क्योंकि मेरे पास तो नहीं पैसे जो मैं किसी को दिलवा सकूं। ये बढ़िया लग रहा। हेलो हेलो जी, देखिए ठीक है भाई, सेक्सी निकालना बस निकालना। अरे जो भी है शायद तो खैर सेट है, भाई से का मतलब इतने में लिखा पड़ी अपनी हो जाएगी सेट, पूरा चैट बन जाएगा ना। और इसका वो निकाल दो स्टैंड, दिखाओ ओके स्टैंड तो मेन जैसे सब बढ़िया मिल जाएगा चाहिए तो दिखा ना, दिखा दो। चिराग भाई की कड़ी मेहनत के बाद इनको डस्टर मारकर बोर्ड और ये मिल गया अपना स्टैंड मैन। ओके किसी चीज को आप गाइस 10 से ढूंढो ना तो पूरी कायनात और हमारे चिराग भाई दोनों ही मिलके उसको ढूंढवा देते हैं। स्टैंड देखो कितना बड़ा, दिखाना एक बारी माँ कसम जे देखो, व्हाइट बोर्ड से ज्यादा बड़ा तो भाई स्टैंड है, लेकिन भारी तो है, फुल पैसा वसूल है। और चिराग भाई का मंदिर आ चुका है, यो एक और करी हेलो। ये कोई माइक है, कितने पीस है? 12 तो बहुत हो जाएंगे, आप ले लो, आप लगा दो वही। मैदा भी होते हैं वही वाले हैं। देखो उधर तो कौन दिखा दे,
पागल है। चिराग भाई के हमारे फेवरेट मोमोज आ चुके हैं और हाँ देखो कैसे काम कर रहा है, जैसे कि बिल्कुल टूट चुके हैं भैया, माइनर सा स्क्रैच था तुम्हारे एक्सीडेंट में समझ रहे हो, इतनी पब्लिक सिटी मत लो संपत्ति वाली। हाँ उनको घर भगा दिया, बेहतरीन। और वो कहाँ है फ्राइड वाले, चलो चेक करो खा के बताओ फिर कैसे हैं, गरम है। ओके कौन सा लोग ये वाले ले लो, उस वाले वाला शेप ट्राई कर चुके हैं, ये वाला एपिक। आज चिराग भाई नहीं मानेंगे, और इसका नुमाइश और चलना पता है एग्जीबिशन जिसको बोलते हैं अंग्रेजी में, हैं मेरी कसम रेड बुल पिलवा दे भाई, कसम रेड बुल पिलवा दे, आज मना मत करिए, रेड बुल ना हो तो हो नहीं सकता, लगी होगी कहीं पे देख, कर दी मना आज। पूछ भैया रेड बुल नहीं है। तो गाइस मिठाई वटाई लेके और ओके सेट, अब दीदी का कॉल आया, अब जाना एग्जीबिशन। और मिठाई हमने क्यों लिया ये मैं आपको बताया नहीं, मैं आपको बताता हूँ, मिठाई हमने इसलिए लिए क्योंकि रात में दीदी आई थी ना, माँ जी और दीदी वहाँ शादी से, तो आते हैं ना जब कोई नया गेस्ट तो फिर लेते हैं मिठाई वगैरह लेके जाते हैं कुछ, तो ऐसी मतलब गेस्ट तो नहीं, वो तो खैर दीदी हैं, बट वो ये ना कि वो आती हैं तो कुछ ना कुछ मिठाई वगैरह कुछ ना कुछ लेके ही आती हैं, लेकिन रात की वजह से मतलब लेके नहीं आ पाई, इसलिए उन्होंने बोला हम रुपये दे देते हैं जो तुम कहो वो ले, मतलब मैं अपनी मेरे को जो फेवरेट पर्सनल लगती है भाई मैंने वो ले ली है, अब जाके चटकाएंगे। और उससे पहले भी दीदी को एग्जीबिशन भी घुमाना है, क्योंकि उन्होंने बोला था कि फिर हम कल चले जाएंगे, वो एक ही दिन के लिए आई हैं, फिर उनकी ना टिकट है वापसी की आई थिंक ट्यूजडे को या वेनसडे को, तो फिर एक दिन और छोटी वाली दीदी का रुकेंगे गाजियाबाद, फिर उसके बाद फिर वो चली जाएंगी, तो इस कारण चलते हैं उनको एग्जीबिशन लेके। बहुत देर से फोन आ रहा है और सारे काम हमारे लगवा हो चुका, बैटरी ले लो बंद आएगी याद आ गई, नहीं हुई होगी खुली है ना, तो गाइस अब बैटरी की याद और आ गई, बैटरी और ले लूँ, जस्ट एक मिनट रुको साइड से पार्क करके गाड़ी, बैटरी ले लेते हैं उसके बाद घर निकलते हैं। अरे वाइट बोर्ड अपना स्टैंड, चिराग भाई विद मिठाई, ये अनबॉक्सिंग ऑफ वाइट बोर्ड, ये अच्छा इधर से ग्रीन है तो ग्रीन पे क्या चलेगा, ग्रीन पे तो चौक चलेगी, अरे सतलता अबे इस पे कैसे दिख जाएगा मार्कर, बड़ा हॉल हुआ उसको वाइट दिख गया ना पीछे ग्रीन दिख गया, तुम कौन सा लाइक मार्कर, वाइट मार्कर कौन सा था भाई, जो तो सेक्सी लग रहा, वो कह रहा भैया पढ़ाते हो तुम, मैंने स्टॉक मार्केटिंग के लिए चाहिए, वो कैसे तो तुम इतनी देर में तुम 15 मिनट में ये कहां कमा लोगे ये रुपया, अच्छा मैंने कहां पैसा यार दिख रहा है, जे नहीं है यार, जे इस पे वो नहीं चलती तो चौक वाला है, देख इस पे मेटल भी नहीं रहा, जे गलत मत चला पलट जाए, अरे मुझसे ज्यादा जानता है, हाँ कुछ जानता तो है नहीं, अरे नहीं होता इस पे चौक चलती है हरे वाले पे, बस हम कह रहे हैं ना एक्स्ट्रा मत चलो, बहुत कॉन्फिडेंट पड़े हैं भाई हम, अरे पलट के वाइट करना पागल आदमी, एक्स्ट्रा तो तुम चल रहे हो, इतनी मुश्किल से मिला माई जी, ये तो मिल रहा था ऊपर का, पहले उस पे ऊपर लिखना शुभ लाभ समझे, सिंपली साइन हम ऐसे नहीं होता, आगे ऐसे कुट 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 कर दिया, हाँ ऐसे नहीं अच्छे से दीदी से लिखवा ले, चलो दीदी के हाथ दीदी के हाथ से इसका वो होगा शुभारंभ, संजो संजो कह रही वो भैया जहाँ पे सिंजो पढ़ा कर रही यहाँ पे, अब पढ़ेगी तो पढ़ेगी, ये राइटिंग बढ़ी यार तुम्हारी तरह से नहीं है टेढ़ी मेरी, तुम तो खैर है नहीं, तो ओके क्लोज्ड क्लोज्ड 3:15 पे होता 3:20 पे 3:30 पे मार्केट एंड, हाँ क्या कह रही हो तुम माई संजो भी जाएगी, जो तो जाएगी नहीं, चल बेटा तू तो घर रह, हर जगह नहीं जा सकती, उद्घाटन होते हुए ये मुझे क्या लिखा रोलेक्स चेक्ड चेक्ड ओके ओके चेक्ड, अरे यार पैर वो पैर रख दिया, चल भाई
और इस पे आएगा पैसा बहुत सारा। इस व्हाइट बोर्ड से पैसा आएगा कैसे, लोग ये सोच रहे होंगे अभी तक। अब लोगों को सीक्रेट नहीं पता इसके पीछे का। अब सीक्रेट जानना तो भाई फॉलो करो, लाइक करो, सब्सक्राइब कर लो। क्या चीज पैसा उसके अंदर है, बस ये खोलना है। चलो हमें ये फटाफट पे सबसे पहले तो मिठाई खोल दो, मिठाई छिटका ले। अच्छा चलो ओके की रिपोर्ट है भाई। संजो उदम नहीं कहाँ सब गए, टेप हटाओ। सिंजु तो इसी इंतजार में रहता है। चिराग मदीना फेमस हो गए ये तो। क्या होता है ये मदीना? आपको पता होगा, पूजा हो रही है जी। चलो चढ़ा दो लाभ हम पे अब। क्यों? हाँ भगवान का निकाले, फिर हमें चढ़ा दो। अब भगवान भी नहीं है। अच्छा एक निकाल दो उसके बाद दे दो। अरे रुकते मिलेगा गाइस, सब्र करना पड़ेगा। उससे पहले भगवान जी खाएंगे, भगवान जी खाएंगे उसके बाद ही पैसा आएगा। भगवान जी को मीठा बहुत पसंद है, मीठा खिलाओ और पैसा कमाओ। लाओ गुट्टा। हाँ गुट्टा को दे दो पहले लड़कियों को, पहले भगवान, दूसरे नंबर पर कन्या है और फिर हम जैसे बदमाश। हाँ और फिर भान जी और है वो, तो सही बात है। चिराग को दो, चिराग से पहले मेरे को दे दो। अरे जो तो हटा रैपर, रैपर की संग डालो, रैपर तो हटा दे ली पे। चल जा मना ललित है मतलब पक मारी पाज जा। सब में आ रहे हैं फिक्स, देख लो हल्के हाथ से चटका लो। हमारे चिराग भाई को झूला झूलना है और कह रहे हैं कोई 420 हो जाए, मतलब समझ रहे हैं ना, जैसे पेटीएम स्कैम या फिर कोई ऑनलाइन फ्रॉड या फिर कोई इनका मिल जाए स्टाफ का। हमारे चिराग भाई यहाँ पे भी चालू हुए, देखो स्मोकिंग केल्स क्या रख लिया, क्यों क्या रख लिया छुपा के, लाइटर के हाथ से क्या कर रहे हो। चलो भैया का लाइटर ले रखा है, सोच रहे हैं चिराग हमारे कि भाई मिसिंग करते हैं। नुमाइश में आते ही आते सबसे पहले चिराग भाई को एक लड़की पसंद आ गई है। लड़की को नहीं, लड़की को तो मैं नहीं, तू आया भाई। मैं मेरे को इंक्लूड मत किया कर भाई इन चीजों में, मैं इन चीजों से दूर हूँ, इन जोलम जाल से दूर हूँ, तभी तो इतना मशहूर हूँ। बताया आपको हाँ, तो बस यही है कि थोड़ा साउंड के लिए इशू आएगा, आई नो, बट थोड़ा सा कोऑपरेट करना आप लोग, समझ रहे हो। अपनी भावनाएं बता दे चल दर्शकों को, दर्शकों बताओगे नंबर मिल गया, कल सुबह उठा लेंगे टीम और तुरंत छटका देंगे। तो ये फिलहाल भाई नंबर मांग रहे हैं आपका, और अगर आप लोग देख रही हो कैसे भूले भट गए तो प्लीज इन भाई साहब को नंबर दे देना अपना, परेशान है यार ये बहुत। तुम्हारी वजह से इन्होंने ना हमें कुछ खाने दिया नुमाइश में और ना ही कोई एक भी झूला झूलने दिया अभी तक, और घुमा रहे ढंड में सोलह भाई, हम तो अपनी दुशाला उड़ के सेट है। दुशाला दुशाला और देख ले भाई, कोई और पसंद आ रहा हो प्रोग्राम है बोलोगे? अरे देखन तो दे बोलोगे। तो फाइनली हम झूलने जा रहे हैं ये वाली राइड। चलो कौन कौन चलेगा, गुट्टा चलोगी? आप चलोगी? आप चल रही हो? आप
चलो चलो बराबर सब लोग ही चल रहे हैं। फाइनली अब जाते जाते बचे हम तीन लोग, मैं चिराग और गुड्डा, और तो मुन्ना मारी आई ना भैया ना दीदी, तो सब्जी हो रही है कैसा लग रहा है लली? ठंड लग रही है, छिड़का लग रहा है ना? ओ भाई भाई समझ से मारे, और आओ वो तो डर ही नहीं लग रहा, और मैं तो बिल्कुल ही नहीं लगे। ओ भाई ओ चिराग भाई, नीचे जाते वक्त लुप लुप करती है ना, ओ ओए भाई ओए। और आओ लली खीर खा भी अब, ओ चुप बैठ रहो, कुछ नहीं होगा और आओ ओ इनको हमारे चरा भाई कहीं भी फ्री का मिले भाई चटका देते हैं। क्या खा रहे हो? मादर चोद इको फ्रेंडली ब्लॉग से इधर आ जाओ, बना रहे हैं वो। वे तो बोले नहीं है, ओ बत्ती गुल हो गई, बत्ती गुल मीटर चालू। नहीं 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 टेन सा फ्री रहे अभी लेनी है। माँ जी के लिए 100 का नोट मिला, वो बहुत चुपचाप दीदी ने मिस के दिया है, बेलपूरी। गाइस एक नंबर, कौन सी आइसक्रीम है? फ्रूट आइसक्रीम, इसका टेस्ट एपिक है। फ्रूट है, फ्रूट फ्रूट नहीं फ्रूट है, पता है फ्रूट आइसक्रीम। बाल कैसे हो गई? झूला झूलने के अभी खिला तो दे, या ब्लॉगिंग कर पाऊंगा। तो गाइस मिलते खाने के बाद। बसड़ तो माँ जी ने करा दी, पॉपकॉर्न खाते हुए घर चलो फटाफट से। सिंजो कहाँ गया? सिंजो बैठा हुआ अपना, सिंजो सिंजो कहाँ? ओहो सिंजो इंतजार में था, कब आओ पॉपकॉर्न खिलाओ जाए। तो बाय बाय नुमाइस ग्राउंड, चलते हैं अपनी फैमिली को लेकर घर पे फटाफट से। ठंड लग रही है, हटो। तो फाइनली गाइस घर आ चुके हैं, और आते आते बहुत लेट हो गया था। टाइम देखो भाई 12:30 हो रहा है, हम लोग 12 बजे आ गए थे, और नीचे जो बच्चे रहते हैं ना रेंट पे, उनका भाई बर्थडे था आज, एक छोटे वाले अंकित नेम है उसका। तो आपने देखा था न्यू ईयर पे जिसने जो केक लेके आया था उसका बर्थडे था भाई। तो विश यू वेरी बिलेटेड हैप्पी बर्थडे, मुझे पता नहीं था जब हम लौट के आए थे मालूम पड़ा, तो भाई केक कट ही रहा था, और उसके बाद खाना पीना हमारा नीचे हो गया था, और सारे घर वाले तो सो चुके हैं। हमारे चिराग भाई लगे हुए भाई प्रॉपर हिसाब किताब में न्यू डायरी के साथ, क्योंकि ये वाली डायरी हमारी जो थी वो इशू कर रही थी, इसके काफ़ी सारे पेजेस फट गए थे, तो पूरा जो पिछले मंथ का डेटा था उस पर कॉपी मार रहे हैं। और ये रहा अपना वाइट बोर्ड भाई, जिसकी काफ़ी टाइम से नीड थी वो भी ले आए, और अपना प्रॉपर शेयर मार्केट का सेटअप हो चुका है, पीसी लैपटॉप सब सेट है भाई, पॉपकॉर्न के साथ मस्त चल रही है भाई रात भर ट्रेडिंग का हिसाब किताब। कल मंडे है, ट्रेड भी लेना है, तो फिर भाई समझ रहे हो ना, मेहनत करो पैसा कमाओ और शेयर्स उठाओ आग लगा दो। तो फिलहाल तो मैं वही काम पे लगने वाला हूँ, तो इस ब्लॉग को यहीं एंड कर रहा हूँ, और भाई मिलते हैं आपसे नेक्स्ट ब्लॉग में। टिल देन बाय, लव यू।